हंदवाड़ा बार एसोसिएशन हंदवाड़ा में हाल ही में निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज टाउन हॉल हंदवाड़ा में आयोजित किया गया। न्यायाधीश बशीर शाह किरमानी और तस्लीम आरिफ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। Having been elected as Vice President of Bar Association Handwara, do solemnly swear in having been elected as General Secretary of Bar Association Handwara, do solemnly swear in the name having been elected as Joint Secretary of Bar Association Handwara, do solemnly swear elected as President of Bar Association Handwara, do solemnly swear on the name of वकला हजरत स्वामी ने मोहतरम अस्सलाम वालेकुम सदर आका सदर क्रेडर्स फेडरेशन हम आका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू जनाब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब हमारे जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं हर साल होते हैं, तो उसके बाद एक बाज़ाबता एग्जीक्यूटिव बॉडी वजूद में आ जाती है, इलेक्टेशन बॉडी जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ये एडिशन ये जॉइंट सेक्रेटरी और उसका ट्रेजरर, दिस ये बार की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और वन ईयर उसके बाद नहीं। अभी जो आपने आज सिलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट, क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो बॉडी क्या है? बेसिकली हमारे इलेक्शंस हो गए आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले, 15 नवंबर को हमारे इलेक्शंस हो गए और आई वाज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स और उसके बाद हमारी बॉडी यहाँ पर वोट ले लिए, जिन्होंने यहाँ पर वोट ले लिए वो इलेक्ट हो गए, तो दे विल कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द बार एसोसिएशन फॉर वन। जी जिस तरह आपको मालूम ही है कि हालिया इलेक्शन जो हुए यहाँ पर हंदवाड़ा बार ये एसोसिएशन जो है यहाँ पर जो इलेक्शन हुए, ये तकरीबन कम बेश हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं तो उनके अंदर ये बार एसोसिएशन जो होती है ये काम करती है, लेकिन हालिया दिनों में यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ तो इस हवाले से यहाँ पर जितने ये एग्जीक्यूटिव मेम्बर्स यहाँ पर मुंतखब हुए तो हम सब पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आयद होती है और उनमें सर फहरिस्त जो हमारी जिम्मेदारी रहेगी वो ये रहेगी कि पब्लिक में वकीलों की एक जो इमेज बनी हुई है तो हम चाहेंगे कि वो इमेज जो है वो दुरुस्त हो और लोगों के अंदर जो ये चीज़ पनप रही है कि वकालत के हवाले से या जुडिशरी के हवाले से जो उनके जहनों के अंदर एक चीज़ पनप रही है तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ का अजाला हो सके, नंबर एक। और नंबर दो पर यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर है हंदवाड़ा कोर्ट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पर
कि जो हमारे नए वकला हजरात यहाँ पर है तो तमाम लोगों के लिए वहाँ पर चैम्बर्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पर हो, इसी तरह वहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी जो है उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ जो नई बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है तो अगर आप इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम जो है हम उनको भी गुजारिश करते हैं कि उस पर तकरीबन 6 करोड़ का तखमीना उन्होंने लगाया है और उस पर वो खर्चा भी आ गया है, तो हम मुतल्लिका हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि उस पर एक कमेटी बिठाई जाए और देखा जाए कि उस पर कितना खर्चा हुआ है और बाकी जो उसमें अगर कुछ हुआ है तो उसको भी मंजर आम पर लाया जाए, क्योंकि हम वकला हजरा जितने भी इस वक्त हंदवारा में है हम इस जो हम काम करने की जो जगह है तो हमें वो अच्छी तरह मैसर नहीं है, तो हमारे इस मुश्किल का इजाला हो सके, चूँकि